नमः शिवाय, जय माँ यमुने, जय माँ गंगे। दोस्तों, ट्रैवल विद सोनिया में मैं सोनिया आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड के चार धामों में पहला धाम यमुनोत्री धाम। इस आध्यात्मिक यात्रा में आइए चलते हैं। जब यहाँ पीक सीजन टाइम होता है तो यहाँ रोड में काफी जाम लगते हैं। कई बार तो गाड़ियाँ एक एक दिन तक पूरी खड़ी होती है क्योंकि ऊपर का ट्रैक बंद कर दिया जाता है। इसलिए सीजन पीक टाइम आप अवॉइड करें तो आप इस यात्रा को ऑफ सीजन में ज्यादा एंजॉय करेंगे। उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी में गढ़वाल हिमालय में माता का मंदिर 10,804 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। दोस्तों, बंदर पुंछ पर्वत की एक झुंड के ऊपर ये मंदिर स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपनी यात्रा का अनुभव सुनाया है। आप यात्रा में कैसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन लें और अपना ख्याल आप कैसे रखें। दोस्तों, फर्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप शूज बहुत अच्छी ग्रिप के पहने और अपने साथ हो तो एक गर्म पानी का छोटा फ्लास्क जरूर रखें, क्योंकि आप अगर थोड़े थोड़े गर्म पानी का घुट लेते रहेंगे तो चढ़ाई में आपको बहुत आसानी होगी। और एक आप लौंग, इलायची और भीमसेन कपूर जरूर रखें, उसकी पोटली बनाकर सूंघते रहें अगर आपको रास्ते में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो। और दोस्तों, रेन कोट जरूर रखें और ट्रैकिंग स्टिक जरूर रखें, या यहाँ पे आपको आसानी से 10-20 रुपए में लाठी भी रेंट पे मिल जाती है। तो आप जब पैदल यात्रा करें, जानकी चट्टी से ऊपर मंदिर की अप्रोक्स 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो आप ज्यादा गर्म कपड़े से खुद को ना लाद लें, क्योंकि रास्ते में बहुत गर्मी लगने लगती है। चढ़ाई बहुत खड़ी है तो ताकत भी शरीर की पूरी लगती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, माता का नाम लेते चढ़ जाएंगे आप। माता खुद ब खुद शक्ति देती है, लेकिन अगर आप चढ़ने में असक्षम है तो आप खच्चर ले सकते हैं, पालकी ले सकते हैं, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। दोस्तों, ऊपर जहाँ मुख्य मंदिर है वहाँ अस्पताल भी है और यहाँ ऑक्सीजन की और भी मेडिसिन की अच्छी सुविधा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो माँ यमुना से मेरा बहुत विशेष प्रेम है, लगता है पूर्व जन्म में मैं इनके किनारे ही रहती थी। माँ यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। दोस्तों, माँ यमुना को श्री कृष्ण भगवान की प्राथमिक प्रेमिका के रूप में भी याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आखिर सारी लीलाएं यमुना तीरे ही तो की थी। दोस्तों, माँ यमुना यमराज जी की बहन और भगवान श्री सूर्य देव की पुत्री हैं। हम जानकी चट्टी से पैदल ऊपर माता के मंदिर की चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो पहला माता का बहुत बड़ा सा गेट आता है, उस पे यमुना माँ की ऊपर प्रतिमा बनी है और साइड में यमराज जी की। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने पर भगवान भैरव बाबा का मंदिर भी आता है। दोस्तों, ऊपर चढ़ाई चढ़ते समय चाय, कॉफी, बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स बने हैं। दोस्तों, मुझे हमेशा हाइट पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैया का नाम लेते लेते और गर्म पानी का घुट पीते पीते मैं ऊपर मंदिर पहुंच गई। तो ऊपर पहुंचकर आप यहाँ गर्म पानी के सूर्य कुंड में नहा सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये अलग अलग बना हुआ है। तो यहाँ आप पोटली में चावल उबालकर गर्म पानी के कुंड में अपने घर ले जा सकते हैं और प्रसाद रूप में सबको बांट सकते हैं। मुख्य मंदिर के पीछे ये कुंड बना हुआ है। यहाँ ऊपर मंदिर में मुझे एक बात बहुत बुरी लगी, लोग नहाकर अपने गंदे कपड़े भी माँ के जल में प्रवाहित कर देते हैं। कृपया ऐसा ना करें, पहाड़ों की स्वच्छता का और पवित्र नदियों की स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें। तो सूर्य कुंड में स्नान करके मैं मैया के बहुत सुंदर दर्शन किए। यहाँ कैमरा से फोटो लेना अलाउड नहीं है, फिर भी पंडित जी से रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मैया की एक झलक हमें लेने दी। तो आप सब भी मैया के दर्शन करें और इस मंदिर से मैं आप सब के लिए मंगल कामना करती हूँ। यमुना माता आप सबका बहुत बहुत मंगल करें और आपके जीवन में शीतलता, प्रेम और आनंद की धार लेकर आए। इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारा धन्यवाद।